हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आज हम लोग का क्लास है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। तो हम लोग ने लेक्चर नंबर 1 जिसने नहीं देखा है ह्यूमन आई का, तो जाके देख लें, क्योंकि इसमें बहुत मज़ेदार सेशन होने वाली है। तो प्लीज़ उसमें जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ग्लास प्रिज्म में कैसे होता है। अगर जिन्होंने ह्यूमन आई का लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, वहाँ पर मज़े आने वाले हैं और सेशन भी इंटरेस्टिंग होती है हमारी। तो सब्सक्राइब करना ना भूले प्लीज़। तो चलिए, हम लोग प्रिज्म के हिसाब से देखते हैं कि प्रिज्म जो है वो कैसे होती है। जब एक रे ऑफ लाइट पास होगी थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, इट गेट्स बेंट ट्वाइस एट द एयर ग्लास इंटरफेस एंड ग्लास एयर इंटरफेस। क्या होगा, जब हम लोग ने एक स्लैब के बारे में पढ़ा था, याद होगा आप लोग को, स्लैब में जब होता क्या होता था, वो जब एंटर करती थी तो वो मुड़ जाती थी। इसमें भी उसी तरह कुछ एंटर होती है और मुड़ जाती है। द इमर्जेंट ट्री इज डिवाइडेड बाई एन एंगल टू द इंसिडेंट रे, दिस एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिविएशन। इससे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एंगल ऑफ डिविएशन। तो यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि ये ग्लास प्रिज्म है और यहाँ पर इससे आपका नॉर्मल जा रहा है, ठीक है। तो ये इंसिडेंट है और ये एंगल ऑफ डिविएशन है कि वो कैसे मुड़ जाता है, और एंगल ऑफ इमरजेंस इमरजेंट रे, ठीक है। तो इमरजेंट एंगल ऑफ डिविएशन का जो अगर डिफिनेशन बोले, तो जब इमरजेंट रे क्या होता है, डिविएटेड होती है बाय एन एंगल ऑफ टू द इंसिडेंट रे, दिस इज एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिविएशन, ठीक। जब इमरजेंट जो है वो डिविएटेड हो जाएगी और कोई एंगल बना देगी इंसिडेंट रे पर, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी एंगल ऑफ डिविएशन, ठीक है। चलो, तो अब बढ़ते हैं डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट बाय ग्लास। हमने पढ़ा कि डिस्पर्शन मतलब रिफ्रैक्शन कैसे होता है, जो वो ग्लास स्लैब की तरह ही होता है। लेकिन अब डिस्पर्शन मतलब क्या होता है कि डिस्पर्शन जो है वो आपकी वाइट लाइट जाती है, जैसे कि यहाँ पर बीम ऑफ वाइट लाइट है, क्या है, बीम ऑफ वाइट लाइट, ठीक। तो जब ये लाइट हमारी एंटर किया हुई, तब क्या हुआ, तब यहाँ पर आपको रे मतलब 7 कलर्स मिल गए जो आपके विवग्योर नाम से फेमस हैं, जो आपके रेनबो कलर भी होते हैं। कौन, विवग्योर है ना, जो आपके रेनबो कलर भी होते हैं, वही कलर निकलता है। यानी कि इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि जो रेनबो होता है वो हमारा बीम ऑफ लाइट से ही, वाइट लाइट से ही निकलता है, ठीक है। जो हम लोगों ने क्लास 8 में भी पढ़ चुका है कि रेनबो कैसे फॉर्म होता है, तो आज हम लोग उसके बारे में भी बात करने वाले हैं कि रेनबो कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। चलो, तो व्हेन अ बीम ऑफ अ लाइट पास्ड थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, इट इज स्प्लिट अप इनटू बैंड ऑफ कलर्स कॉल्ड स्पेक्ट्रम, ठीक है। जब बीम ऑफ लाइट वाइट लाइट जो होती है वो ग्लास स्लैब से पास, ग्लास प्रिज्म से पास होती है, तो उसे हम लोग उसमें से बैंड ऑफ कलर्स निकलती है, जैसा कि हमने ऊपर में अभी देखा था, यहाँ पर है ना बैंड ऑफ कलर्स थी ये, जो स्पेक्ट्रम के नाम से फेमस है, ठीक है। तो जिसको जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तो उसको जल्दी से आप लोग देख लेना ना, कलर चेंज कर देते हैं, रुक जाओ है ना, कलर चेंज कर देंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा बढ़िया से, ब्लू से दिखा देंगे, यस। ठीक है, तो ये जब व्हेन अ बीम ऑफ वाइट लाइट इज पास्ड थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, इट इज स्प्लिट अप इनटू अ बैंड ऑफ कलर्स कॉल्ड स्पेक्ट्रम, ठीक है। चलें, यस। तो हम लोग अब आगे चलेंगे, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट, यही आपका डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट कहते हैं। तो स्पेक्ट्रम, जब हम लोग का कोई वाइट लाइट डिस्पर्स हो जाता है, यानी कि ग्लास प्रिज्म से पास होता है और वो स्प्लिट करके क्या करेगी, फॉर्म करेगी एक स्पेक्ट्रम, तब हम लोग उसको डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट भी कहते हैं। द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट हैज़ दी
कलर्स वायोलेट इंडिगो यानी कि विवियोर कलर होती है, जैसे कि आपको पता है। द रेड लाइट बैंड्स द लीस्ट एंड द वाइट लाइट बैंड्स द मोस्ट। जो रेड लाइट होती है वो बैंड करना होती है थोड़ा कम होती है, और वायोलेट लाइट वायोलेट कलर जो होती है वो बैंड ज़्यादा होती है। तो ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा। आगे चलते हैं कि जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया गया वाइट लाइट है यहाँ से जा रहा है और वो एक बैंड ऑफ कलर्स निकाल रहा है, क्या निकाल रहा है, बैंड ऑफ कलर्स, जिसे हम लोग स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, है ना। तो ये सब आप लोग को बात ध्यान में रखना पड़ेगी, ठीक है। आगे चलते हैं। रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट प्रोड्यूसेस वाइट लाइट। जब हम लोग का रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, जब बीम ऑफ लाइट वाइट लाइट पास होती है दो ग्लास प्रिज्म में से, टू ग्लास प्रिज्म में से, तब वो एक वाइट लाइट फिर से बन जाती है, ठीक है। चलो, रेनबो फॉर्मेशन जब होता है तो वो सनलाइट क्या करती है, वाइट लाइट डालती है, वाइट लाइट डालती है, और रेन ड्रॉप उसमें जब क्या होता है वाइट कलर का जब हो जाता है तब उसमें जाके वो एक प्रिज्म का काम करता है, जिससे रिफ्लेक्शन और डिस्पर्जन दोनों होता है, और उसके अंदर इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, उसके बाद आप लोग का निकलता है विवियोर कलर, ठीक है। रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर अ रेन शावर। इट इज कॉज्ड बाय द डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। जब रेनबो तब फॉर्म होता है, ए नेचुरल स्पेक्ट्रम है जो स्काई में रेन शावर के द्वारा डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट के द्वारा होती है एटमॉस्फेयर में। द वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक स्मॉल प्रिज्म, जैसे कि स्मॉल प्रिज्म से के जैसा काम करता है। दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द सनलाइट, देन रिफ्लेक्ट इट इंटरनली एंड फाइनली रिफ्रैक्ट इट्स कम आउट ऑफ द रेन ड्रॉप्स ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन बाय द वाटर ड्रॉपलेट्स एंड वी सी द रेनबो कलर्स, ठीक है। चलो, जैसे कि यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। आगे चलते हैं तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन भी बहुत कुछ है, जैसे कि हम लोग को पढ़ना है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो वो जब हम लोग ये पढ़ते हैं कि स्टार्स आर ट्विंकलिंग बट स्टार्स आर नॉट ट्विंकलिंग, है ना। स्टार्स जो होती है वो ट्विंकलिंग नहीं करती है, जबकि स्टार जो होती है रियल पोजीशन पर ही ऐसा है, और हम लोग का जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है तब हमको लगती है वो दूसरी जगह जाती है, और इसलिए आई हमारी धोखे क्या खाती है, धोखा खा जाती है और हमारा क्या फॉर्म कर देती है, एक ट्विंकलिंग वाला जैसा फॉर्म हो जाता है, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पूरा डिफिनेशन के साथ, तो इसको पढ़ते हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू द ग्रेजुअल चेंज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर ग्रेजुअली इंक्रीजेस टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ बिकॉज द हॉट एयर अबव इज लेस देन द कूल एयर बिलो, सो लाइट ग्रेजुअली बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, सो द रियल पोजिशन ऑफ स्टार। तो वही लिखा हुआ जो मैंने समझाया अभी। आगे चलते हैं, तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है ऐसे हम लोग देखते हैं। तो ये सब आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। वाई डू ट्विंकल स्टार्स, हाँ, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। जब हम लोग रियल पोजीशन पर होता है तब हम लोग होरिजन के नीचे रहता है, जब रिफ्रैक्टिव ये सब होता है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण होता है, ठीक है। तो सिंपल से भाषा में समझ लीजिए, ये पढ़ते हैं। द सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट्स बिफोर सनराइज एंड अबाउट 2 मिनट्स आफ्टर सनसेट ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। द अपेरेंट फ्लैटनिंग ऑफ द सन्स डिस्क एट सनराइज एंड एट सनसेट इज ऑल्सो ड्यू टू द एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होती है वो बहुत सारी 3 तरह की होती है, तो हम तीनों तरह के पढ़ने वाले। तो सबसे पहले टिंडल इफेक्ट, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू ए कोलोइडल सॉल्यूशन द पैथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलोइडल पार्टिकल, दिस इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट वो होता है जब आपका क्या होता है बीम ऑफ लाइट रहता है उसको पास होता है कोलोइडल सॉल्यूशन से, और पैथ जो है वो स्कैटरिंग हो जाती है बाय द स्कैटरिंग ऑफ लाइट से,
तो उसे हम लोग टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ठीक, द अर्थ सर्फेस एटमोसफेयर कंटेंस एयर मॉलिकुल्स वाटर ड्रॉपलेट डस्ट, ये सब होती है। ठीक है, विजिबल टू अस, ये सब स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स के कारण दिखती है। ठीक है, जैसा कि पिक्चर आप लोगों को दिख रहा है, ये सब टिंडल इफेक्ट के प्रभाव है। ठीक है, वाई इज द कलर ऑफ द स्काई ब्लू, ये क्वेश्चन भी आता है। तो द फाइन आर्टिकल्स इन द एटमोसफेयर हैव साइज स्मॉलर देन द वेव लेंथ ऑफ विजिबल लाइट, दे कैन स्कैटर ब्लू लाइट विच हैज अ शॉर्टर वेव लेंथ देन रेड लाइट विच हैज अ लॉन्गर वेव लेंथ। तो सबसे छोटा वेव लेंथ होता है वो ब्लू का, उसके बाद होता है रेड का, उसके बाद होता है किसी और का। व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर द फाइन आर्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर स्कैटर द ब्लू, तो ब्लू कलर से वो ज़्यादा मीट खाती है जिसके कारण स्काई हमें ब्लू दिखाई देती है। ठीक है, इफ द अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर देर वुड नॉट बी एनी स्केटिंग ऑफ लाइट, द स्काई वुड अपीयर डार्क, द स्काई अपीयर्स डार्क एट वेरी हाई एल्टीट्यूड्स। तो ब्लू कलर के आने से ज़्यादा वो हो जाती है, इसके कारण से आप लोग का ब्लू स्काई हो जाता है। ठीक है, ब्लू का हाई डेंसिटी रहता है। कलर ऑफ द स्काई एट सनराइज एंड सनसेट, तो ये सब आपको पढ़ना है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट वाली जो चीज़ थी वो हमने पढ़ा दी, ये क्योंकि वन शॉट थी जिसके कारण से हम ज़्यादा डेफिनेशन में नहीं पढ़ाएं। ठीक है, तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इश्क की एमसीक्यू भी होगी जल्दी, तो बने रहिए मेरे क्लास में।